वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली हाट में, जहाँ पे निफ्ट का मेला लगा हुआ है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। ये निफ्ट का यहाँ पे मेला लगा हुआ है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि लगा रहेगा अभी 2 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक 2024। यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। ये एग्जीबिशन अभी पूरे 15 दिन के लिए लगी रहेगी, तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा नॉर्मल भी दिल्ली हाट की मार्केट हमेशा सजी ही रहती है, तो मैं आज आपको पूरी डिटेल यहाँ की दिखाने वाली हूँ, निफ्ट के मेले की भी, एग्जीबिशन की भी, कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है और नॉर्मली दिल्ली हाट में आपको क्या कलेक्शन देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ताकि फ्यूचर में वो भी 15 तारीख से पहले यहाँ पर आकर एग्जीबिशन को देख सकें। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो निफ्ट की एग्जीबिशन लगी हुई है, उस एग्जीबिशन में हम स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश का यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, यहाँ पे कपड़ों की कलेक्शन देखने को मिल जाएगी, और उनकी बहुत ही प्यारी कलेक्शन है, उसके ऊपर सबने पेंटिंग्स की हुई है, और इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये सारा एमपी का काउंटर है। इसके अलावा साथ ही आपको ये असम का काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको असम का कपड़ों की कलेक्शन, कपड़ों की, बैग्स की, सूट्स की, और इस तरह की सारी कलेक्शन, जो उनके शॉल्स हैं, स्टॉल्स हैं, ये सारी असम की कलेक्शन यहाँ पे मिलने वाली है। और साथ में ही असम का यहाँ पे सारा जूट का, ये टोकरियाँ, बास्केट जितने भी बना रखी हुई हैं, ये सारी आइटम्स ही आपको यहाँ पे असम के काउंटर पे मिल जाएंगे। अगर आप इस तरह के चीज़ों के शौकीन हैं तो यहाँ पर असम के काउंटर पर आ सकते हो। इसके साथ ही आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश का काउंटर दिख जाता है, जहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के कपड़े, यहाँ की चीज़ें, यहाँ का सब कुछ ले सकते हो। और जम्मू कश्मीर का भी यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है। तो निफ्ट के अंदर पूरे ही, जो हमारा इंडिया है, पूरे ही भारत के, यहाँ के अलग अलग स्टेट्स की तरफ से काउंटर लगाए जा चुके हैं, जहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में पश्मीना के सारे कपड़े और वूलन स्टफ सब मिलने वाला है। इसके अलावा राजस्थान में एक काउंटर है, जो राजस्थान का लगा हुआ है, और उस राजस्थान के काउंटर पर आपको इस तरह की बहुत ही प्यारी होम डेकोर की चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। बहुत ही प्यारी यहाँ पे वर्क किया गया हुआ है, ये सारी सुराहियाँ, ये सारी होम डेकोर की जितनी भी चीज़ें, सारी आपको राजस्थान के काउंटर पे मिलने वाली हैं। राजस्थान के काउंटर के साथ ही गुजरात का एक काउंटर है, जहाँ पे आपको गुजराती साड़ीज, सूट्स और इस तरह के कपड़े देखने को मिलेंगी, और बहुत सारे लहंगा चोली का भी स्टफ़ है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े की वैरायटी है, अनस्टिच कपड़ा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। तो ये गुजरात का काउंटर है, यहाँ पे गुजरात के स्टॉल पर आपको इस तरह के सारा कपड़ों का सामान मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे ओडिशा का काउंटर लगा हुआ है, तो ओडिशा के काउंटर में आपको इस तरह के बहुत ही प्यारे वुडन के टॉयज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो जितने भी वुडन के टॉयज़ हैं, ये बहुत ही प्यारे सुंदर सुंदर यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए वुडन का मंदिर कितना प्यारा है, ये वुडन के बॉक्सेस है, ये वुडन के खिलौने बनाए हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो ये उड़ीसा वालों का अपना ही हैंडीक्राफ्ट का बहुत ही प्यारा सामान है। ये देखिए कितने प्यारे ये चीज़ें लग रही हैं बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं। ये बहुत ही प्यारी मशरूम्स हैं गार्डन या बालकनी को डेकोरेट करने के लिए। ये वुडन के बहुत ही प्यारे प्यारे बाउल्स हैं। अगर उड़ीसा के काउंटर पे आप आते हो तो इस तरह की बहुत सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही उड़ीसा का एक और कार्ड स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पे लेडीज़ हैंड वूवन यहाँ पे बास्केट्स और चटाइयाँ और ये जो मैट्स होते हैं, टेबल मैट्स, ये लेके एग्जीबिशन लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर है। इस तरह के आपको टेबल मैट्स मिल जाएंगी, जो कि जूट के रस्सियों से बने हुए हैं। डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा, ये प्यारी प्यारी टोकरियाँ हैं जो वीव करके इन्होंने बनाई हुई हैं। डिज़ाइन देखिए कितने कितने प्यारे हैं। ये हैट है, अगर आप हैट लेना चाहो तो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सब हाथ से बना हुआ है, जूट का है, रस्सियों से बना हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी सी टोकरियाँ बनी हुई हैं, कॉस्टर्स बने हुए हैं, इस तरह के बॉक्सेस ले सकते हो आप। तो ये ओडिशा के इस काउंटर पे आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये देखिए बैग कितना प्यारा, ये सारा रस्सी से, जूट से बना हुआ है। सो दीज ऑल आइटम्स आर फॉर स्टार्टिंग फॉर 200 रुपीज़। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा पूरे इंडिया का कल्चर देखने को मिलेगा, और दिखाती हूँ। इसके साथ ही ये राजस्थान जयपुर का काउंटर लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है निफ्ट के अंडर एग्जीबिशन पे, जहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी बेडशीट्स मिल जाएंगी, और कलर देखिए, डिज़ाइन देखिए कितने प्यारे बने हुए हैं। तो ये पूरा राजस्थान के काउंटर पे आपको अच्छी अच्छी जयपुर की बेडशीट्स देखने को मिलेगी, और कुशन कवर्स होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, सूट्स भी होते हैं, बच्चों के कपड़े हैं, और ये पूरी कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो मैं आपको सारा वन बाय वन दिखा रही हूँ कि यहाँ पर निफ्ट में कौन कौन सी स्टेट की एग्जीबिशंस लगी हुई हैं। ये अगले काउंटर है वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे कपड़ों की ही कलेक्शन है, आपको बहुत ही अलग अलग तरह के वेस्ट बंगाल की कलेक्शन देखने को मिलती है। कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, इस तरह की बहुत सारी, दुपट्टे भी हैं, स्टॉल भी हैं, वेस्ट बंगाल के जितने भी वहाँ का ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक नज़र, ये बहुत सुंदर यहाँ पे कलेक्शन है वेस्ट बंगाल की। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में भी कलेक्शन में स्टॉल में आपको बहुत ही प्यारे ये शॉल्स की कलेक्शन है, कलमकारी प्योर जमावर नजीबाबाद कलमकारी शॉल्स, तो इस तरह की कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो पूरा जो भी एग्जीबिशन लगे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साथ में भी उत्तर प्रदेश वाला ही स्टॉल्स है जहाँ पे आपको यूपी में जो चिकन करी के सूट आते हैं, जो कढ़ाई होती है, वो वाली सारी कुर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अभी दुकानें सज ही रही हैं क्योंकि आज ही पहला दिन है 2 सितंबर, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आपके लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप सब यहाँ के कलेक्शन को देख सको और यहाँ पर विजिट कर सको। ये गुजरात का एक काउंटर है, स्टॉल बना हुआ है, यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये आंटी यहाँ बैठी हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं जो सूटों पे, साड़ियों पे, बेडशीट्स पे, चादरों पे, कहीं पे भी ब्लॉक प्रिंटिंग करनी हो, छापा मारना हो, जैसे कहते हैं ना छापा मारना हो, ब्लॉक प्रिंटिंग करनी हो, तो उसके यहाँ पे पहले से सांचे रखे हुए हैं, खांचे, ये आप लो, इसको कलर के साथ वो करके इसको सीधा थप्पा मार दो और ये छप जाता है। बहुत सुंदर डिज़ाइन यहाँ पे ब्लॉक्स का है। अगर आप अपने पसंद के कोई घर से कपड़े लेकर आते हो, या दुपट्टे हैं, स्टॉल है, या साड़ी है जिसके ऊपर आप कुछ ब्लॉक्स प्रिंटिंग करवाना चाहते हो, तो ये यहाँ पर वो भी करके दे रहे हैं। तो ये वाला स्टॉल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए कितने प्यारे अलग अलग डिज़ाइन है। ये थोड़ी यूनिक चीज़ है जो इस बार निफ्ट में मैंने देखी है। पिछली बार सिर्फ दूसरी चीज़ें सारी शॉपिंग वाली चीज़ें थी, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि व्हाइट कलर के कपड़े लो या किसी तरह के, आप अपनी पसंद की यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग करवा सकते हो। ये देखिए कितने प्यारे महादेव जी बने हुए हैं, अगर आपको महादेव का भी एक प्रिंट करवाना हो तो करवा सकते हो। ये पीकॉक बना हुआ है, कमल का फूल है, गुलाब के फूल हैं, और ये बटरफ्लाई बनी हुई है। तो ये सारे वुडन के सांचे हैं। ये देखिए गणेश जी कितने प्यारे हैं। तो इसका आंटी क्या चार्ज होता है? 150 रुपये 150 रुपीज़। ये 100 रुपये जो छोटे छोटे वाले, 50 रुपये। ओके, तो आंटी बता रही है ये जो छोटे वाले हैं ये 50 रुपये, और ये जो थोड़े से बड़े वाले हैं ये 100-100 रुपये में प्रिंटिंग हो रही है, और ये जो ज़्यादा बड़े वाले हैं ये 150-150 रुपये में प्रिंटिंग हो रही है। तो ये गुजरात का स्टॉल है, यहाँ पे ज़रूर आइएगा अगर आपको ये वाली ब्लॉक प्रिंटिंग करानी है। तो इसके साथ ही पंजाब का स्टॉल लगा हुआ है, और पंजाब फेमस है पंजाबी सूटों के लिए, साड़ियों के लिए, फुलकारी के लिए, तो यहाँ पे आपको फुलकारी वाली बहुत कलेक्शन मिलने वाली है क्योंकि पंजाब इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है। अलग अलग तरह की आपको फुलकारी यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखिए कितने सारे डिज़ाइन है फुलकारी के, मैं आपको दिखा देती हूँ। इनमें से आपको सारे दुपट्टे भी मिल जाएंगे, सूट्स भी मिल जाएंगे अनस्टिच, और आप उसको स्टिच भी करवा सकते हो। तो ये सारे आपको फुलकारी में मिलने वाले। देखिए कितने सारे कलर है, प्रिंट है, बहुत ही सुंदर डिजाइन मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के आप एम्ब्रॉयडरी वाले यहाँ पे सूट भी ले सकते हैं। ये सारे चिकन करी हुई है, कढ़ाई की हुई है, तो ये सारा आपको पंजाब के जो पंजाब का स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इस तरह की सारी कढ़ाई, आपको कढ़ाई वाले सूट, हर चीज आपको ये पंजाब के स्टॉल पे देखने को मिल जाएगी। खास करके फुलकारी तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। कोई एक फुलकारी कितने की होगी? 1250। ये एक फुलकारी मैंने पूछा है, अगर आप लेते हो तो 1250 रुपीज़ की रेंज से शुरू हो रही है। तो अब आप आइडिया लगा ही सकते हो कि सारी कलेक्शन कैसे हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे लोअर कितने प्यारे रखे हुए हैं। ये लोअर्स के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और नीचे यहाँ पे फूलों के प्रिंट हैं जो आप अपनी किसी भी ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो। चलिए और दिखाती हूँ आगे क्या क्या है। ये साथ में बिहार का स्टॉल लगा हुआ है, बिहार के स्टॉल पे भी आपको बहुत सारी साड़ियों की कलेक्शन मिलने वाली है, बहुत सुंदर। तो मतलब सारी स्टेट्स के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए बिहार की कलेक्शन कितनी सुंदर है, अगर आप देखोगे तो ये सारा हैंडमेड जो एम्ब्रॉयडरी है वो की हुई है। ये सूट साड़ियाँ कुछ भी मिल जाएगा इनमें, है ना। तो इस स्टॉल पर आपको सूट साड़ी हर तरह की कलेक्शन मिल जाएगी एम्ब्रॉयडरी वाली। आपको थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन देख लो ताकि आपको आइडिया हो सके कि बिहार के काउंटर पे किस तरह की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये देखिए कितने प्यारे हैं,
ये देखिए कितने प्यारे काम किया हुआ। आपको अगर मैं ये एम्ब्रॉयडरी दिखाऊं तो ये हाथ से की हुई है, कितनी प्यारी है। ये दुपट्टा है, किसी भी ड्रेस के साथ, सूट के साथ मैचिंग किया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश के मैं स्टॉल पर आई हुई, यहाँ पे बहुत ही प्यारी यूनिक कलर के आपको बेड रनर्स और फ्लोर मैट्स मिल जाएंगे। और बहुत प्यारी इनके पास फाइल्स भी हैं जिसके ऊपर एक किल्लम नाम की जो एम्ब्रॉयडरी वीविंग कह सकते हैं वो उसका वर्क किया गया है। बोरिया बस्ता के नाम से इनका स्टॉल नेम है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ बोरिया बस्ता के नाम से। सो यू विल हैव अ फाइन कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ बास्केट्स, जो किल्लम की एक यूनिक कलेक्शन है। इस तरह के आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, ये इस तरह की आपको बास्केट मिल सकती है। यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ बॉक्सेस, इट कैन बी यूज फॉर ज्वेलरी ऑल्सो। और इस तरह की बहुत प्यारी आपको कलेक्शन मिल जाएगी फ्लोर मैट्स के लिए। एक तरह से ये फ्लोर रनर्स हैं, फ्लोर मैट की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, हम देसी भाषा में चटाई भी बोल देते हैं, बट दिस इज़ बेसिकली रनर्स। अगर आप देखो तो ये टेबल रनर्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। और ये सारा हैंडवर्क किया गया हुआ है, बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये ऐसी कलेक्शन है जो कई सालों साल चलती है, क्योंकि मेरे पास भी एक है इस तरह का, और बहुत ही प्यारी कलेक्शन है। मैंने सूरजकुंड मेला से लिया था और वो 2 साल हो गया, वो एज इट इज़ ही अच्छे से चल रही है। तो दिस इज़ क्वाइट गुड, तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश की जो वहाँ पे कलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये वूलन्स की सारी कलेक्शंस है, आपको ग्लव्स मिल जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? सीबकथॉर्न। अच्छा, ये किस काम आता है? ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट, इसमें हेल्थ के लिए काम आता है। इसकी चाय बनती है, जैसे ग्रीन टी बनती है, वैसे आप ऐसे भी ले सकते हो। अच्छा, ये बता रहे कि लाहौल स्पीति का ही है ये, वहाँ का एक सीरम है, इसको आप ग्रीन टी के लिए भी यूज कर सकते हो, हेल्थ टॉनिक के लिए भी यूज कर सकते हो, विटामिन सी के लिए है। और ये इसका फ्रूट भी है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो जहाँ पे मुझे देखने को मिली। जो भी हिमाचल प्रदेश के इस काउंटर पे आते हैं ये इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे हिमाचली बैग्स हैं और शॉल हैं, ग्लव्स हैं, क्योंकि ठंड में यही चीज़ें काम आती हैं। तो इस तरह की कलेक्शन आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये देखिए कितने प्यारे हैं, ये जैकेट्स वगैरह लगी हुई हैं जो हिमाचली होती हैं, हिमाचली शॉल है, हिमाचली जैकेट्स हैं। और ये इस तरह के स्टॉल शॉल जो है हिमाचली, ये हिमाचली आपको टोपी मिल जाएगी, बहुत सुंदर। तो पूरे हिमाचल के कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, सब हैंडमेड है। इसके साथ ही एक राजस्थान का स्टॉल लगा हुआ है जो कि है टाई एंड डाई ऑफ जोधपुर के नाम से है। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी टाई एंड डाई वाले दुपट्टे मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारी कलेक्शन है। सूट्स भी हैं इनके पास, साड़ियाँ भी हैं, और इस तरह के टाई एंड डाई वाले बहुत ही प्यारे प्रिंट्स हैं। इनमें आपको दुपट्टे भी मिलने वाले हैं, साड़ियाँ भी मिलने वाली हैं, सूट्स भी मिलने वाले हैं। तो ये आपको मैं थोड़ी थोड़ी कलेक्शन दिखा देती हूँ। तो आप अगर इस काउंटर पे आते हैं तो यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टाई एंड डाई, ब्यूटीफुल दुपट्टे एंड साड़ीज़। और इसके साथ ही आपका वेस्ट बंगाल का एक काउंटर है, जो वेस्ट बंगाल के काउंटर पे आपको इस तरह की बहुत ही प्यारी हैंडीमेड हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मिलने वाली हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारी छोटा सा पाउच, एक तरह से बॉक्स की तरह, बहुत सुंदर लग रहा है। और ज्वेलरी कॉस्मेटिक के लिए, जैसे इसमें आप अपना लिपस्टिक या कुछ रख सकते हो, साथ में शीशा भी है। आप देखोगे फ्रेंड्स कितनी प्यारे यहाँ पे ग्लास है, उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, कोस्टर्स कितने प्यारे हैं, एंड दे हैव अ वाटर बॉटल्स ऑल्सो, कितने प्यारे उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस पूरी एग्जीबिशन में मैं सारे स्टॉल्स का थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की कलेक्शन आपको यहाँ पे एग्जीबिशन पर आने में मिलने वाली है। ये छोटे छोटे से आप हैंड बैग्स ले सकते हैं, पाउचेज है, मेकअप किट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। सो दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन। तो ये वेस्ट बंगाल का हाउते पॉटरी के नाम से स्टॉल बना हुआ है, तो इस पर भी ज़रूर आइए। ये छोटे से मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ, बैग्स भी लगे हुए हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बैग, कितना प्यारा है, इसके ऊपर पीकॉक बना हुआ है, स्लिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को टॉट बैग्स पसंद हो तो बड़े बड़े टॉट बैग्स भी ले सकते हो। दे हैव अ ह्यूज कलेक्शन। एनी आइडिया अगर मैं पूछूं तो कलेक्शन की प्राइसिंग क्या शुरू होने वाली है? सपोज ये एक बैग है तो ये कितने का होगा? ये 2200 का, 2200 का है। जैसे छोटा प्रोडक्ट्स यहाँ पे 100 से शुरू करके 5000 तक का भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनकी शॉप पे आपको 100 रुपीज से, जैसे ये स्मॉल पाउचेस है, बैग्स है, 100, 150, 200, 500, इस तरह की रेंज से आइटम के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है।
इसके साथ ही अगर मैं देखूँ तो महाराष्ट्र का काउंटर है, तो महाराष्ट्र के काउंटर पे आपको बहुत ही प्यारी हैंडमेड नेकलेस और ज्वेलरी मिलने वाली है। और डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सुंदर है, ये सारे हैंडमेड हैं और कपड़े से, वुडन से, धागे से और शीशे से बने हुए हैं। आप देखोगे कितने प्यारे, ये एक नेकलेस है एक तरह से गले में डालने वाला, ये सारे नेकलेस ही है, यहाँ पे मालाएं लगी हुई हैं, ये सारे गले में डालने वाली हैं। और ये सारे कितने, क्या रेंज है, रेट है इनका? सबका अलग अलग है मैम, जैसे कि 700 का है, ओके, जैसे कि 950 का है, मतलब 500, 600, 700, 800 इस तरह से है इनका, ठीक है। तो ये देखो आप कलेक्शन कितनी सुंदर है, ये आप देखो कितना प्यारा सा पाउच है, ये देखिए की रिंग्स भी है इनके पास, ओ दिस इज द रिंग, ओ ब्यूटीफुल, ये एक रिंग है और बिल्कुल ही कपड़े से और शीशे से बनी हुई है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ये इस तरह के आपको नेकलेस ये सेट भी मिल जाएंगे, चौकर मिल जाएगा, ये देखिए कितना प्यारा है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो महाराष्ट्र के काउंटर पे आपको बहुत सुंदर ऐसी चीज़ें मिलने वाली है। इनके पास बहुत ही प्यारे इयर रिंग्स भी है जो कपड़े से बने हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ये कितने के हैं? 300 के, ये 300 के इयर रिंग्स हैं और ये 200 के, ये वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। और दिस इज़ वो 300, ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, ओ दे हैव अ परांदी ऑल्सो, जो पंजाबी लोग होंगे उनको पता होगा परांदी क्या होती है, और बाकियों को भी आजकल थोड़ा बहुत पता ही है, चोटी बनाने के लिए ये यूज़ की जाती है, सो ये उसके लिए भी कर सकते हो। तो महाराष्ट्र के काउंटर पे भी आपको बहुत सुंदर चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पे केरला का एक स्टोर लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही प्यारी कलेक्शन है केरला की, और केरला की कलेक्शन में आपको वुडन से बनी हुई बहुत ही प्यारी प्यारी, ये देखो ये कितने प्यारे बैम्बूज के रस्सी ब्रेसलेट्स बने हुए हैं, आपको ये नेकलेस की तरह मिल जाएंगे, आपको ये बुक मार्क की तरह मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारी कलेक्शन केरला के स्टॉल पे आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये देखोगे ये लैम्प शेड्स देखोगे कितने प्यारे हैं, ये आपको केरला के स्टॉल पे मिलेंगे, बहुत ही सुंदर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारा, ये देखिए एक और डिज़ाइन इसमें कितना प्यारा है। और अगर ये देखोगे कि सी शेल की तरह में एक डिज़ाइन बना हुआ है केरला के स्टॉल पर, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये ऐसे लाइट जग रही है और ये खुल भी जाता है, वाओ ये बहुत ही प्यारा है ये। इसका प्राइस रेंज क्या स्टार्ट होगा? $2000 तो ये $2000 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए एक लैंटर्न की तरह बना हुआ, जैसे पुराने जमाने में लोग लालटन जलाते थे उसकी शेप में ये बना हुआ है, बहुत सुंदर है। और अभी दिवाली फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो आप लोग दिवाली से पहले इन चीज़ों की शॉपिंग तो करते हो, ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। तो डेली हाट में आ सकते हो, यहाँ पे उरावू बैम्बू क्राफ्ट के नाम से केरला का स्टॉल है, यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। अगर इस तरह की कलेक्शन आपको लेनी है तो मस्ट विजिट प्लेस है। ये एक बुक मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो बिल्कुल ही ओके, इट्स अ बॉक्स, ओ आई थॉट इट इज़ अ बुक, हाँ फ्रेंड्स मुझे लगा ये बुक है बिकॉज लिखा हुआ है बुक ऑफ स्पाइसेस, सो बेसिकली इसके अंदर स्पाइसेस है, तो ये केरला के ऑथेंटिक होंगे, है ना? ओके, सो केरला के ऑथेंटिक स्पाइसेस है, अगर आप ये भी ट्राई करना चाहो सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। चलिए और देखते क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का काउंटर है, अभी सेट हो रहा है, जम्मू कश्मीर की आपको सारी वैरायटी यहाँ पे मिलने वाली है। दे हैव अ हिमाचली आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, स्टॉल्स है और हिमाचली पेंटिंग है, आंटी खुद बैठ के बना रही है, आप खुद बना रहे हो है ना, बहुत सुंदर कर रहे हो। ये क्या चादरों के लिए यूज़ हो रहा है या कैसे? अच्छा, ये सारे डेकोरेटिव पीस हैं, इसको आप फ्रेम करवा के लगा सकते हो। ओ अच्छा, ये आंटी यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं, ये दोनों साइड पे इन्होंने कपड़े पे हाथ से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इसको आप फ्रेम करवा के ऐसे लगा सकते हो, तो दोनों तरफ ही डिज़ाइन है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है यो। और इन्होंने ये एज ए सैम्पल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, और ये सारे यहाँ पे दुपट्टे हैं, ये देखिए एक और इन्होंने ऐसे डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, जिसको आप अपने घर में हिमाचली जो कल्चर है उसको दिखाया गया हुआ, सारा हिमाचली कल्चर को, बहुत सुंदर। ये आंटी कितने का होगा? 5000 का पूरा सेट बना हुआ है ना, वुडन के अंदर, ये वुडन के अंदर फ्रेम किया हुआ 5000 में आपको मिलने वाला है। ये तेलंगाना का एक काउंटर है, तेलंगाना के इस काउंटर पे आपको बहुत सुंदर इस तरह की कपड़े से बनी हुई हैंडमेड ज्वेलरी मिल जाएगी, बेल्ट मिल जाएगी, इयर रिंग्स मिल जाएंगे, नेकलेस मिल जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको तेलंगाना के काउंटर पे मिलने वाली हैं।
हियर वी हैव अ नागालैंड का स्टॉल। नागालैंड स्टॉल पे आपको इस तरह की बहुत ही प्यारी जूट की बैम्बूस की बास्केट वोवन की हुई मिल जाएगी, पर्स मिल जाएंगे, हैंडबैग्स मिल जाएंगे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये बास्केट है यहाँ पे, ये पर्स हैंडबैग्स बने हुए हैं, ये कुछ हैट्स हैं यहाँ पे वो भी ले सकते हो। इस तरह की सॉलिड आपको बहुत सारी टोकरियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे नागालैंड के काउंटर पे आपको ये देखिए कोस्टर्स बने हुए हैं, कोस्टर का सेट है, ये भी ट्राई कर सकते हो। ज्वेलरी है आपको, बहुत सारी प्यारी प्यारी ज्वेलरी आपको नागालैंड के काउंटर पे मिलने वाली है, अमेजिंग। और ये 2 सितंबर से 15 सितंबर तक लगा हुआ है, तो ये ज़रूर देखिएगा। फाइनली मैंने पूरी एग्जीबिशन कवर कर ली है हरियाणा का, मुझे पहला काउंटर यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है और मुझे लग रहा था शायद हरियाणा से कोई भी नहीं है, बट हरियाणा का काउंटर भी है यहाँ पे, तो आपको ये बहुत सुंदर हरियाणा की चीज़ें मिलने वाली हैं। ये बहुत ही सुंदर है, ये देखिए एक भैया कितना सुंदर पीस दिखा रहे हैं, ये सारा लकड़ी से बना हुआ है, बहुत सुंदर है। आइवरी पे वर्क करते थे। अच्छा, 92 में आइवरी बैन हुआ, उसके बाद सैंडलवुड में काम किया, अभी कदम की लकड़ी पे काम। अच्छा, ये बहुत सुंदर पीसेज है फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ पर आओ तो हरियाणा के काउंटर पे जरूर आओ। मैं गुड़गांव से हूँ, मैं सोच रही थी हमारा वहाँ का कोई काउंटर नहीं, यहाँ पे स्टॉल देखने को मिला, कितना सुंदर। ओहो फ्रेंड्स, आई मेरे को यकीन नहीं है कि आपको फोन पे दिखाई दे रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। ये पूरा जो पीस बना हुआ इसके अंदर बहुत ही छोटे प्यारे प्यारे 6 एलिफेंट भी बने हुए हैं, तो ये सिंगल वुड का वर्क है, बहुत सुंदर है। ये कितने का है? ओके, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिखा रहे हो। अच्छा, आप देख सकते हो ये अवॉर्डी लोग हैं, एक तरह से इनको अवार्ड भी मिला है इस काम को करने के लिए, और 5-6 महीने बता रहे हैं इसको लग जाते हैं। काम तो उसपे है कि जैसे अभी इसमें लगभग 2.5 मंथ हो चुके हैं, 15 से 20 दिन इसमें अभी लगेंगे। ओके, और मिनट का ओवर फर्स्ट टाइम एक किया तो। अरे वाह, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरूर आइएगा। ये चीज़ें लास्ट मुझे याद है कि मैंने गुड़गांव में आपको जब एग्जीबिशन लगी थी वहाँ पे आपको दिखाई थी, उसके बाद मुझे ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, मुझे नाम नहीं याद आ रहा वहाँ एग्जीबिशन का क्या नाम था। ये देखिए कितने प्यारे, ये सब हैंडमेड चीज़ें हैं, और सर बता ही रहे हैं कि 10-10 दिन लग जाते हैं, 15-15 दिन लग जाते हैं, 1-1 महीना भी लग जाता है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो ये वाकई इसके पीछे एक मेहनत छुपी हुई है। और ऐसे अगर आर्टिफैक्ट्स आप अपने घर पे लगाते हो तो एक तरह से आपको खुद को भी रॉयल फीलिंग आती है, तो इस स्टॉल पे ज़रूर आइएगा। ये इनका कार्ड है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहो तो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, और मैं इनके नंबर्स भी डिटेल भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही मिज़ोरम का काउंटर लगा हुआ है, मिज़ोरम के काउंटर पर भी आपको मिज़ोरम केस ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिल जाएगी, उनके कल्चर को दिखाया गया है, बहुत ही प्यारे स्लिंग बैग्स हैं, स्टॉल्स हैं, और इनके पास मिज़ोरम की ही अपनी हैंडमेड बनी हुई ज्वेलरी है जो इन्होंने डिस्प्ले की हुई है, और बहुत ही प्यारे यहाँ पे शॉल्स लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिज़ोरम की यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारा यूनिक स्टॉल आपको देखने को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश का लगा हुआ है, ये है अर्थात, तो ये इनका नाम है इस स्टॉल का अर्थात। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे बैम्बू से बनी हुई वुडन की चीज़ें, टेबल, मैट्स, क्लॉथ्स, बॉक्सेस और जूट की बनी हुई चीज़ें, बास्केट्स देखने को मिल रही हैं, और ये बहुत ही प्यारे एक तरह से टेबल मैट्स की तरह हैं, और जो कि जूट से बनी हुई हैं, बहुत सुंदर कारीगरी की हुई है, और लैम्प्स भी है यहाँ पर, और ये जूट के और बैम्बूस के आप देख रहे हो बहुत ही प्यारे लैम्प से बने हुए हैं जो सारे हैंडमेड्स हैं और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। अगर आप लैम्प्स के शौकीन हैं और इस तरह की चीज़ें आपको कलेक्ट करनी अच्छी लगती हैं तो ये वाले यहाँ से आके ले सकते हो, ये बहुत सुंदर कलेक्शन है। अगर आप बॉक्सेस भी चाहो तो ले सकते हो, ये एक तरह से पेन होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो तो आप स्टडी टेबल के लिए, तो यहाँ पर इस कलेक्शन को देखने के लिए ज़रूर आइएगा। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक ये एग्जीबिशन लगी हुई है, सो डू विज़िट।
फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम सारे स्टॉल्स की कलेक्शन आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनकी क्या क्या कलेक्शन है। डिटेल में आप यहाँ पे जब विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी कलेक्शन है इनके पास, क्योंकि अभी ये सारी दुकानें सेटअप हो ही रही हैं तो ज़्यादा कलेक्शन मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि मैक्सिमम यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो उनके कलेक्शन को ज़रूर विजिट कीजिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया से, सारी स्टेट से लोग यहाँ पे आके उन्होंने एग्जीबिशन लगाई हुई है जो कि वर्थ वॉचिंग है, तो जरूर आइए। यहाँ के टिकट प्राइसिंग सिर्फ 30 रुपीज है, 30 रुपीज में आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑल 7 डेज ओपन रहती है ये मार्केट, 2 सितंबर से 15 सितंबर तक की एग्जीबिशन लगी हुई है। सो डू विजिट। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी पता चल सके इस एग्जीबिशन के बारे में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।